अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा मौजू है प्रीपोजिशन। जिस तरह के आपको मालूम है कि रिसेंट लेटेस्ट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस और एमसीक्यूज जो हैं वो प्रीपोजिशन के ऊपर आए हैं, और मैंने महसूस किया कि बहुत सारे लोगों को प्रीपोजिशन जानने पहचानने में मुश्किल पेश आ रही है। तो मैंने इस ज़रूरत को समझा कि मैं आप लोगों के लिए प्रीपोजिशन डिफाइन करूँ, और फिर उसके बाद जो ब्लैंक्स हैं जो एमसीक्यूज आए हुए हैं उस पर थोड़ा सा तबसरा करूँ, ताकि आप लोगों को प्रीपोजिशन जो है वो क्लियर हो। सबसे पहले मैं प्रीपोजिशन की आसान भाषा में या आसान अल्फाज में इसकी डिफिनीशन करना चाहूँगा। प्रीपोजिशन की अगर सबसे आसान डिफिनीशन अगर हो सकती है तो ये है कि दो चीज़ों के दरमियान जो रिश्ता है उसको आइडेंटिफाई करना, दो चीज़ों का एक दूसरे से जो निस्बत है, जो पोजीशन है, उसको आइडेंटिफाई करना ही प्रीपोजिशन है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई हैव अ मार्कर इन माई हैंड एंड आई पुट दिस मार्कर ऑन अ टेबल, देन आई वुड लाइक टू से दैट माई पेन इज ऑन द टेबल, माई मार्कर इज ऑन द टेबल। तो इस मार्कर और टेबल के बीच जो रिश्ता है वो ऑन है। अगर इस टेबल के अंदर एक ड्रावर है और मैं इस पेन को उस ड्रावर के अंदर रख दूँ तो फिर मैं कहूँगा माई पेन इज इन द ड्रावर, मतलब ड्रावर और मेरे पेन का जो रिश्ता है वो इन से है, कि मेरा पेन किधर है वो ड्रावर के अंदर है। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन प्रीपोजिशन का हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। अगर आप बोर्ड की तरफ देखो तो बोर्ड में आपको सबसे पहले नजर आएगा आई प्रिफर टी डैश कॉफी। इसके साथ जो है वो चार ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो अगर हम इस सेंटेंस को बगौर पढ़े कि आई प्रिफर टी देन कॉफी, तो देन जो है इधर कंपेयर जो डिग्री है कंपेरिजन का कोई इधर जो है निशान नहीं है। अगर प्रेफर को देखो, मैं एक चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ, तो ये कंपेरिजन बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो सूटेबल प्रीपोजिशन जो आएगा वो होगा टू। आई प्रेफर टी टू कॉफी, डेफिनेटली द राइट आंसर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर टू है ही इज फेमस डैश हैज इंटेलिजेंस। यहाँ पे अगर हम सोचे तो हमारे पास जो दो ऑप्शंस आए हैं वो है टू और दूसरा है फॉर। ही इज फेमस टू हिज इंटेलिजेंस, ये वर्ड जो है इधर ज्यादा सूटेबल लगता नहीं है। अगर हम इधर फॉर लगाए तो इससे ये चीज और इलाबोरेट हो जाएगा। ही इज फेमस फॉर हिज इंटेलिजेंस, तो इधर मतलब हमें बिल्कुल वाजह हो गया कि वो मशहूर है अपने इंटेलिजेंस की वजह से। ऑप्शन नंबर टू है आई एम इंडेप्टेड डैश योर सर्च बिहेवियर। हमारे पास ऑप्शंस आए हैं टू एंड वन, तो आप अपना कॉमन सेंस अगर इस्तेमाल कर जाएं तो इधर है आई एम इंडेप्टेड टू योर सर्च बिहेवियर, बाय का इधर कोई काम नहीं है। आई एम इंडेप्टेड टू योर सर्च बिहेवियर। नाउ वी हैव अदर टू एग्जांपल्स इन इट। You have to think dash it once again. You have to think it once again. इसलिए तो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है You have to think dash for it once again. It is wrong. Here the suitable option will be over. You have to think over it once again. That will be the correct answer. Now, I'm going towards the second sentence. She is fond dash music. She is fond dash music. Here the suitable option we have will be of, not for. Okay, if we put the preposition of in it, then you will easily understand. She is fond of music. तो इस किस्म के जो क्वेश्चन है, इस किस्म के जो सेंटेंसेज है, आजकल की जो एंट्री टेस्ट है या जो दूसरे टेस्ट है उसके एमसीक्यूज के अंदर ये आ रहे होते हैं, तो आप लोगों ने इन चीज़ों का मुताले करना है और इस चीज़ को आप लोगों ने समझना है, ताकि आइंदा वाले जो टेस्ट है उसके अंदर आप लोग की कोई गलती ना हो। नाउ वी हैव अनदर टू एग्जांपल्स हियर। हिज फादर इज इंक्लाइन डैश स्मोकिंग। वी हैव ऑप्शंस ऑफ एंड टू। द सूटेबल ऑप्शन हियर इज टू। हिज फादर इज इंक्लाइन to smoking. Okay, now come to the next sentence. We have he died dash or a tear.
Here we have again two options, one is from and one is of. If we put here the word from, he died from her attack, it will be incorrect. I am going to elaborate this in another sentence, but here the suitable preposition will be of. He died of heart attack is the most correct sentence here. Now again we have two sentences here. One is if he is suffering dash fever. As I have told you earlier that it is a continuity of the other sentences. In that sentence we had a sentence that he died to heart attack. Here we have a sentence and we have two options with it, from and to. He is suffering dash fever. The best suitable option here is he is suffering from fever. He died to heart attack and he is suffering from fever. Our next sentence is have you dash mobile. Here if you closely observe this sentence, it is interrogative sentence, and in interrogative sentence we have to put any in it. Have you dash mobile? Have you any mobile? It is an interrogative sentence. Again, we have two sentences here. The first sentence runs, he has not dash water to drink. Idhar par hamare paas uncountable noun hai, jo ke water ko hum count nahi kar sakte. To agar hum option mein dekhe, to wo kaun sa option hai, jo ke uncountable noun ke saath hum laga sakte hain. Much and many. Many is something very countable, and here the suitable word is much. We should be put with the uncountable noun. He has not much water to drink. Second question is, he is sitting dash green and among. Option hai hamare paas between and among. To among aap logon ne pehchanna hai ki among hum bahut sare log ke beech mein istemal karte hain, jabki between do logon ke beech mein istemal kiya jata hai. To idhar we have two people. He is sitting between Kareem and Ahmed. So the suitable word here is between. Now again we have two sentences. The first sentence runs as, I can write a story dash pen. We are given the two examples here, two options here, with and by. Here the most suitable option is with. I can write a story with pen. Okay, the second sentence here is dash Indus is dash largest river in Pakistan, and we have given the articles here. Which article is the most suitable here? So as we know that Indus is the proper noun, and we have to put the with proper noun. So here we will put the. Again, if we look to the second option here adjective. Adjective explains the sentence more. So here again the most suitable answer is B. The Indus River is the largest or longest river in Pakistan. Okay, in articles again we have the sentences here. He is dash CM. What will be the most suitable article here? If you keenly observe the sentence, we have given option A and D. He is the CM. He is not a CM, but he is the CM. So CM is the most suitable option. Second sentence is, Rahim is dash honest man. It closely look at the vowel sounds here. As we cannot pronounce the word honest as honest, the H is silent here. So the sound of this word will be honest. So honest as it is a vowel sound, so we have to put an here. Rahim is an honest man. That's all for today. Hope you will have enjoyed the video. If you have any query, any question, you can ask and write it to me.
me down in the description box. You can email and you can WhatsApp me. I will give you the proper answers. Hopefully, you will have enjoyed the video. Thank you for watching.